हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चित्रकला का पेपर बोर्ड के द्वारा वायरल किया गया है। इस पेपर का यहाँ पे आप सभी को संपूर्ण हल कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चित्रकला के पेपर को संपूर्ण हल करके ही आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आपको चित्रकला से संबंधित जो OMR शीट पे प्रश्न हल करना है, आपको कैसे हल करना है वो भी तरीका आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे चित्र बनाना है, किस बिंदुओं को ध्यान देना है, ये भी साथ में बताएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो स्मृति चित्र से संबंधित, जैसे आपको आम बनाना है, कप प्लेट बनाना है, सभी चित्र आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको चित्रकला से संबंधित किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बोर्ड के द्वारा पेपर वायरल किया गया है 2023-2024 के लिए, फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 2024 में आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पहले इसके निर्देश को जरूर ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, चित्रकला का पेपर हल करने के लिए आपको समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का टोटल समय मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको जो पेपर रहेगा 70 नंबर का टोटल पूर्णांक रहेगा आपका। फ्रेंड्स, जो नोट है कि 15 मिनट आपको परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर निर्देश जो दिए रहेंगे फ्रेंड्स, इसको आपको पढ़ना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, इसलिए कि इसमें सभी प्रश्नों को आपको करना नहीं है, कुछ प्रश्नों को छोड़ना है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न में जो निर्देश दिए रहेंगे, इस निर्देश को आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स, निर्देश क्या है आपका कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर अस्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवा कर कक्ष निरीक्षक से भी सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको ड्राइंग शीट इस प्रकार से मिलेगा, ड्राइंग शीट पे आप किसी साइड कोने पे, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, किसी साइड आपको कोने पे इस तरह देखिए आपको लिखना है, जैसे बता रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह आप घेर लीजिएगा। स्केल से घेरने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखना रहेगा, ठीक है। जो ड्राइंग शीट इस तरह मिलेगा सादा पेज, उस पर आप रोल नंबर लिख लीजिएगा। रोल नंबर लिखने के बाद आप क्लास लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो अध्यापक रहेंगे वो अपना सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ड्राइंग शीट पे पूरा लिखना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी लिखना रहेगा, यानी कौन सा विषय है। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट साइड या राइट साइड, किसी साइड आप इस तरह कोने पे लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि अनुक्रमांक आपको अच्छे से लिखना है, समझ में आ गया ना। तो पहला निर्देश आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा निर्देश क्या है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका खंड क स्टार्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को आप स्पष्ट रूप से ध्यान से देखिएगा, आपके जो प्रश्न है उसमें खंड क है, खंड ख है और खंड ग, इन सभी प्रश्नों का आपको बताने वाले, ध्यान बस देख दीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या है खंड क में कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधि कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर देना आपके लिए अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधि कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो, उसे ही OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, OMR शीट पर कहने का मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको भरना रहता है चित्रकला में, आपका चित्रकला जो है इसमें कौन सा आलेखन कला वाला आप यदि हल करेंगे तो आलेखन कला यहाँ पे घेरिएगा, प्राविधि वाला कला आपको हल करेंगे तो प्राविधि कला यहाँ पे आपको टिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसको भर के बताएंगे आप सभी को, पहले इस प्रश्न को देखिए, हम लास्ट में इसको बताएंगे, पहले प्रश्न को हल करते हैं, इसको बताएँ कैसे आपको घेरना है। अब देखिए फ्रेंड्स, OMR शीट है ना, तो OMR शीट को पहले एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये गोले भरने का तरीका बताया रहेगा, गोला आप कभी ऐसे कट नहीं करके, कभी ऐसे करके या किनारे पर ऐसे करके और डाट द्वारा या आधा भर के नहीं छोड़ना है। गोले भरने का सही तरीका है कि जब आप भरना स्टार्ट करते, इसको पूरा इस तरह एकदम कम्प्लीट भरना रहता है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ जिला का कोड आपका लिखा रहेगा
केंद्र का कोड लिखा रहेगा, आपको अनुक्रमांक लिखना रहेगा, विषय का कोड जैसे यहाँ पे आपको क्या है कला है ना चित्रकला, तो यहाँ पे चित्रकला लिखा रहेगा, ठीक है ना, ये लिखा रहेगा तो आप लिख लीजिएगा चित्रकला। यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो वहाँ पे 801, 802, 803 ऐसे लिखा रहता है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको भरना है, कैसे आप भरेंगे आपको अभी समझाएंगे, जब प्रश्न हल करेंगे ना तो आपको सभी पॉइंट समझाने वाले हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने ये आलेखन कला स्टार्ट होता है, यहाँ पे 20 अंक का आलेखन कला है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से पढ़िए इसका आंसर, देखिए आप ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला सवाल क्या है कि मुख्य रंग कितने हैं, पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, 3, 2, 5, 7। तो फ्रेंड्स देखिए, मुख्य रंगों की जो संख्या होती है आपका 3 है, तो इसका सही जवाब क वाला हो गया ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको जैसे आपको OMR शीट पे भरना है, एक भर के बताते हैं कैसे भरना है। देखिए फ्रेंड्स, पहले का क है ना, तो देखिए पहला प्रश्न है, क मतलब होता है अ, अ वाला भरना है ना, तो यहाँ पर देखिए पहला है और यहाँ पर अ वाला इस तरह घेरना है। देखिए किस तरह घेरेंगे, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जितने पॉइंट बता रहे हैं ध्यान से एक बार देख लीजिए, इस तरह OMR शीट पर इसे भर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न क्या है, इसको कैसे हल करेंगे, OMR शीट पे भरेंगे कैसे बता रहे हैं आपको, इनमें शीतल रंग कौन सा है, शीतल मतलब ठंडा रंग बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, हरा, लाल, नारंगी, पीला। तो फ्रेंड्स देखिए, जो शीतल रंग होता है आपका हरा होता है, तो इसका सही जवाब क वाला होगा। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा का आपका पहला सही है ना, तो दूसरा का देखिए पहला कौन सा, ये आपका सही जवाब होगा, क्या होगा आपका, दूसरे का पहला। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं, पहले सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं, फिर OMR शीट आपको भर के बताते हैं, पहले सभी प्रश्न हल करते हैं, आपको समझ में आ गया कि OMR शीट भरना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा वाला क्या है आपका, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, गर्म मतलब होता है उष्मा देता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, लाल, नीला, हरा, धानी। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका इसका सही जवाब लाल होगा। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य की जब किरणें आती है या आप कोई आग जलाते हैं तो उसमें उष्मा निकलता है ना, तो कौन सा कलर का दिखाई देगा, तो लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए गर्म रंग कौन सा आएगा, लाल होता है, ठीक है। आपका चौथा नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ओस्टवाल्ड चक्र है ना, तो आप याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड चक्र में जो टोटल रंगों की संख्या होती है टोटल 8 होता है, तो इसका सही जवाब आपका क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पांचवा नंबर का सवाल क्या है आपका, निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे द्वितीय रंग पूछा है ना, तो द्वितीय रंग के अंतर्गत आता है नारंगी, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि लाल, पीला और नीला ये तीनों रंग जो होते हैं प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। छठवां नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, कि तटस्थ रंग कौन सा है। तटस्थ रंग मतलब होता है एक दूसरे के विरोधी रंग कौन सा है फ्रेंड्स। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, सफ़ेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला, हरा पीला। तो फ्रेंड्स तटस्थ रंग आपको बताना ना, तटस्थ रंग कौन सा है, तो सफ़ेद काला जो होता है तटस्थ रंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर मान लीजिए कि इतना आप प्रश्न कर लिए, अब इसे OMR शीट पर भरना है, देखिए कितना तेज भरेंगे। तीसरा का क है, तो देखिए तीसरा ना, और देखिए फ्रेंड्स जैसे OMR शीट भरें इसी प्रकार से आप भरिएगा। देखिए यहाँ पे हो गया, भर लिए। फिर इसके बाद देखिए आपका चौथा का क है, तो चौथा की ये वाला भर लीजिएगा आप, जैसे बता रहे हैं उसी तरह भरिएगा। और आप OMR शीट को हम कह रहे हैं कि आप ब्लैक पेन से ही भरिएगा, ठीक है, जेल वाला ब्लैक पेन ले लीजिएगा, उसी से आप OMR शीट भर लीजिएगा। पाँचवा का आपका कौन सा, ए वाला है, तो पाँचवा का ए भर लीजिए, देखिए जिस तरह भर उसी तरह भरिएगा आप। पाँचवा का, छठवा का भी ए है, तो छठवा का ए भर लीजिए, ठीक। देखिए जैसे भर उसी तरह आपको OMR शीट भरना है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं। देखिए सातवां नंबर का कौन सा सही जवाब है, पहले सातवां नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है। ऑप्शन जब ध्यान से पढ़ेंगे, हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक रंगों की संख्या तो टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसे प्राथमिक रंग कहिएगा या मुख्य रंग कहिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका प्राथमिक रंगों की संख्या में लाल आता है, नीला आता है, पीला, तो इसे प्राथमिक रंग कहते हैं, इसका ख वाला ऑप्शन सही होगा। आठवां नंबर का देखिए फ्रेंड्स, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, जल रंग का, तैल रंग का, एक्रिलिक रंग का या पेस्टल रंग का। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब ख वाला होगा, तैल रंग का। तो फ्रेंड्स तैल रंग का जो माध्यम होता है पारदर्शी होता है, इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नौवां नंबर का देखिए फ्रेंड्स, सफ़ेद का विरोधी कौन सा रंग है फ्रेंड्स।
देखिए सफ़ेद का विरोधी आप याद रखिएगा डायरेक्ट सफ़ेद का विरोधी काला होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला होगा। अब देखिए फ्रेंड्स दसवां नंबर का देखिए फ्रेंड्स का कौन सा प्रश्न है आपका कि लाल रंग में यदि आप नीला रंग मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा। ऑप्शन है बैगनी बनेगा आपका, आसमानी, नारंगी, भूरा। तो फ्रेंड्स देखिए लाल में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो आपका बैगनी रंग मिलता है, जिसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्यारहवां नंबर का देखिए फ्रेंड्स पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पीला रंग लेना है और उसमें आपको लाल रंग मिलाना है। यदि पीला में लाल रंग मिलाते हैं तो आपको नारंगी रंग मिलता है, इसका क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बारहवां नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है कि द्वितीय रंग कितने होते हैं। ऑप्शन है 6 होगा, 2 होगा, 10 या 3। तो फ्रेंड्स देखिए द्वितीय रंगों की टोटल जो संख्या होता है आपका 3 होता है, तो इसका सही जवाब घ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए तेरहवां नंबर का फ्रेंड्स क्या है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। देखिए आपको पीले का विरोधी, जैसे आपको पता है कि सफ़ेद का विरोधी क्या होता है, सफ़ेद का क्या होता है, काला। ठीक है, काला होता है, सफ़ेद का काला कहिएगा या काला का विरोधी सफ़ेद। तो उसी तरह पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। ऑप्शन कह रहा है नीला, सफ़ेद, हरा, धानी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा नीला। पीले का विरोधी रंग आपका नीला होता है। अब देखिए फ्रेंड्स चौदहवां नंबर का सवाल क्या है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंद्रहवां नंबर का सवाल क्या है कि कला शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन है संस्कृति का, हिंदी का, फारसी का या पाली का। तो फ्रेंड्स कला शब्द जो है आपका संस्कृति भाषा का है, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 16वां नंबर का सवाल देखते हैं। कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। ऑप्शन है 2B, HB, 2H, HH। इसका सही जवाब होगा क वाला 2B। देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि काला की इंग्लिश क्या होता है, ब्लैक होता है ना, तो इसका बी लेने का पहला लेटर तो बी से ब्लैक याद रखिएगा ना, तो 2B से क्या बनेगा, अधिक काली रेखा बनती है। अब देखिए 17वां नंबर का सवाल क्या है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की है, यहाँ से देखिए 2H, HB, 2B, 4B। तो देखिए फ्रेंड्स अभी आपको B मतलब ब्लैक बताएं, जिसमें B है तो उससे तो आपका काला रंग बनेगा, आपको हल्का रंग बनाना है तो उसमें सिर्फ यह चाह रहा है ना, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा क वाला कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए 2 नंबर का ब्रश आपको उपयोगी होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर का सवाल आपका क्या है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से देखिए फ्रेंड्स आलेखन आपके टोटल 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका 20वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स सवाल क्या है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा क वाला कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आसानी से याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर केंद्र दिया ना, तो केंद्र से केंद्रीय आलेखन याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपके आलेखन का कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हुए ना। अब इस OMR शीट पे देखिए कितने कम समय में आप भर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आपको OMR शीट भरना होगा तो पहले सभी प्रश्नों का आप जो 20 क्वेश्चन है बहुविकल्पी सभी प्रश्नों को हल करने के बाद आप OMR शीट भरते हैं तो कम से कम समय में भर लेंगे। देखिए 7वां का ख है ना, देखिए ख मतलब ब, ये वाला भरेंगे आप तुरंत, आप जेल पेन लिए रहेंगे तुरंत एक भर लेंगे। देखिए देखिए कितना तेज भरते हैं। 8वां का ब, यहाँ पे 8वां का भी आप क्या करेंगे, ब घेर लेंगे। इसके अलावा देखिए 9वां का ए है तो 9वां का ए भर लीजिए। देखिए इस तरह जैसे भर रहे हैं इसी तरह आप बोर्ड के एग्जाम में प्रश्नों को भरिएगा फ्रेंड। 11वां का देखिए क है, यहाँ पे देखिए 9वां का आप कहोगे ना, 10वां का भी क्या है आपका क है, क मतलब ए वाला, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको भर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए 10वां के बाद 11वां का क्या है आपका, 11 का क है ना, 11वां का क भरिए, क मतलब ए वाला। ठीक है, देखिए जितना स्पीड से भर रहे हैं फ्रेंड्स उसी तरह आप लोग भी जैसे भर रहे हैं उसी तरह करेंगे तो आप भर लेंगे। ठीक है, देखिए 12वां का क्या है आपका, 12वां का डी है ना, तो 12वां का क्या कीजिएगा, डी वाला भरिएगा। और ध्यान से फ्रेंड्स भरिएगा,
एक बार भरने के बाद इसको काट पीट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर का सवाल देखिए, 13वां का क्या है आपका, क है, तो 13वां का क भर लीजिए, क मतलब ए वाला, ठीक। देखिए भर लीजिए, देखिए कितना स्पीड से भरेंगे। 14वां का भी क है तो 14 का नंबर क भर लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह भरेंगे। 15वां का देखिए क है ना, तो 15वां का भी क भरेंगे इस तरह, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सभी प्रश्न आपको कंसेप्चुअल बताने वाले हैं। देखिए 16वां का क्या है, क ना, तो 16वां का भी क ए वाला भर लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए 17वां का क है, तो 17वां का क भरिएगा, ठीक, भर लिया आप। अब देखिए 18वां का क्या है, क है ना, तो 18वां का क ये भर लीजिएगा, ठीक है, ये भर लिया आप। 19वां का देखिए क है ना, 19वां का भी क है, देखिए 19 का क वाला लगा है, तो 19 का क भरिए, मतलब ए वाला, ठीक। देखिए ये भी कंप्लीट हुआ। 20वां का क है, तो 20वां का भी क ए वाला भर लीजिए, ठीक। देखिए फिर अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, चित्रकला के विषय, आप आलेखन प्राविधि दोनों में से, तो आपने कौन सा प्रश्न किया है, यहाँ पे देखिए एक बार ध्यान से, देखिए यहाँ पे प्रश्न दिखाते हैं, कौन से किए हैं आप, आलेखन वाला हल किए ना। यहाँ पे जो रहेगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना रहेगा, आलेखन है तो यहाँ पे आलेखन वाला को इस प्रकार से घेर लीजिएगा, आपको क्या घेरना रहेगा, आलेखन। और जो फ्रेंड्स प्राविधि वाला करेगा तो प्राविधि वाला को घेरेगा, दोनों में से कोई एक ही करना, अभी आपको समझा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आप यहाँ हस्ताक्षर अपना कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर अपना अध्यापक और केंद्र का मोहर लगेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि यहाँ पर प्रश्न पत्र लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा रहता ई एक्स, यहाँ पर क्या लिखा रहता है ऊपर ई एक्स, यहाँ क्या भरते हैं आप, यहाँ भरते ई और इसमें क्या भरते हैं यक्स भर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया पूरा ये। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं। फ्रेंड्स ये अगला नंबर का है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ खंड क में आपका दो भाग दिया था, आलेखन कला और प्राविधि कला, 20 नंबर का बहुविकल्पी था फ्रेंड्स। यहाँ पर आप आलेखन कला आपको हल करके बताए हैं और प्राविधि कला, इन दोनों प्रश्नों में से आपको बोर्ड के एग्जाम में एक ही प्रश्न करना है। आप आलेखन कला कला का 20 बहुविकल्पी प्रश्न कीजिए, या इसके अलावा प्राविधि कला का आ रहा है तो प्राविधि कला आपको करना है, दोनों में से एक ही करना है, दोनों प्रश्न आपको नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप आलेखन कला वाला किए हैं तो आप आलेखन कला वाला ही आप OMR सीट पर यहाँ पर सिर्फ भरेंगे। देखिए आपको बता दें OMR सीट पर आलेखन कला ही भरेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्राविधि कला के भी सभी प्रश्न आपको हल करा देते हैं, ठीक है। तब समझ में आ गया ना कि दोनों में से अथवा मतलब होता है, चाहे आप प्राविधि कला कीजिए चाहे आलेखन कला है, समझ में आ गया, इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो चलिए यहाँ पे आपको दोनों हल करा देते हैं, जिससे आपको जो समझ में आएगा पेपर में बोर्ड के एग्जाम में, उन दोनों में से कोई एक ही कीजिएगा। देखिए 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न है आपका ना, देखिए प्राविधि कला के यहाँ पर 20ों का 20 करना है आपको। देखिए आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो फ्रेंड देखिए ये आपका समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है, इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संपूर्ण कोण का मतलब होता है कि आप किसी पॉइंट के एक तरफ पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश का बनता है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तीसरा वाला है कि समकोण जो होता है कितने अंश का होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि समकोण जो होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से वर्ग होता है, वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का होता है और इसकी चारों भुजाएँ आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा फ्रेंड्स, 90 अंश का, इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 5वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए फ्रेंड्स वर्ग ये है, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 अंश, चार को कोण बन रहा है ना, तो प्रत्येक कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश, कितने अंश का होगा फ्रेंड्स, 360 अंश का, इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक हल्की अधिक काली होती है, तो फ्रेंड्स आपको अभी बताए थे कि काली जब कहेगा तो बी मतलब क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक से आप काला याद रखिएगा, तो बी वाला देखिए बी किसके साथ में है, तो सिर्फ कवल ऑप्शन के साथ में बी है, तो इसका सही जवाब कवल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर का देखिए वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होगी, ऑप्शन पढ़िए चारों भुजा बराबर, बड़ी छोटी, आमने सामने बराबर, या इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स अभी बताएं कि वर्ग की चारों भुजाएँ आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो इसका सही जवाब कवल ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, देखिए 8वां नंबर का रहा है
कि मापने में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, ऑप्शन है जीरो लिखा जाता है, एक लिखा जाता है, छः या कोई भी अंक। देखिए फ्रेंड्स, आप जब स्केल देखेंगे ना मापनी है तो स्केल पे पहला क्या लिखा है, जीरो लिखा है ना, यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नौवां नंबर का सवाल क्या है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, 1000, 10, 10,000। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि एक मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड्स वृत्त का आकार कैसा होता है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि वृत्त कैसा बनता है, गोला होता है एक प्रकार का, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार होता है, आयत के आकार का फ्रेंड्स मतलब होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं सिर्फ बराबर होता है, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसे आयत कहते हैं। इस प्रकार के देख लीजिए चित्र कहाँ पे है, देखेंगे ध्यान से, ये देखिए आपका एक वर्ग है जिसमें चारों भुजाएं बराबर, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आयताकार पूछा है, तो ग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स बारहवां नंबर का क्या है, कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज के आकार का होता है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। 13वां नंबर का सवाल फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, रेखा किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रेखा का मतलब होता है कि जैसे ये दो बिंदु है, इसको जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक अधिक कोण है, तो देखिए फ्रेंड्स अधिक कोण को जानने से पहले इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम, 60 अंश से बड़ा लेकिन 120 अंश से कम, 360 अंश से छोटा लेकिन 180 अंश से अधिक उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे ये कोण अधिक कोण थीटा लेते हैं, लेकिन 180 अंश से क्या होना चाहिए, ये कोण जो होना था कम होना चाहिए, इसका मतलब वह 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम को क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स अभी बताया समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, इसकी तीनों भुजाएं छोटी होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज की खासियत याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसके जो ये कोण बनते हैं तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो सरल कोण या रिजुरेखीय कोण कहते हैं, इसका सही जवाब का वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से होता है, जो यहाँ पे कोण बनता है ना, तो 180 अंश का कोण बनता है, जिसे हम सरल रेखा या रिजुरेखीय कोण कहते हैं। 17वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स, वर्ग किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स अभी बताए थे जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं, इसका सही जवाब का वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 18वां नंबर का सवाल क्या है आपका, कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो फ्रेंड्स आप याद रखिए पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, 10 सेंटीमीटर। 18वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा आप, कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब का वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर का सवाल क्या है आपका, कि एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा डायरेक्ट एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 20वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स सवाल क्या है, कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती थी, ये प्रश्न अभी आपको कराए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, 2H होगा, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन, ग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 20 प्राविधि कला के इंपॉर्टेंट सवाल थे, तो दोनों में से कोई एक ही करना है तो आप एक ही कीजिएगा ना, आपको यहाँ पे दोनों प्रश्न इसलिए बता दिए कि किसी को प्राविधि कला के क्वेश्चन हल करना होता है, किसी को आलेखन कला के। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। फ्रेंड्स खंड ख है, अब देखिए फ्रेंड्स इसने पढ़िएगा ध्यान से, देखिए खंड ख का प्रत्येक क्वेश्चन 30 अंक का, ये भी ध्यान दीजिएगा। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला प्राविधि कला में से किसी एक का ही चित्र आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन प्रश्न दिए रहेंगे, तीनों में से किसी एक को ही आपको हल करना है, तीनों प्रश्न आपको हल नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे प्राकृतिक दृश्य है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिए आपको इसको बताएंगे कैसे आपको हल करना है, पहले ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। और ये 30 नंबर का, कितने का है फ्रेंड्स, 30 नंबर का रहेगा आपका। देखिए फ्रेंड्स अ है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए,
खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्रण तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव, झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, आप ध्यान क्या देना है कि सही संरचना परिप्रेक्ष्य बताएं। यदि सही संरचना बनाते 10 अंक उस पर मिलेगा, उसका संयोजन सही होगा तो 5 अंक, सुसंगत रंगों का चयन आप करते हैं तो उस पर 10 अंक मिलेगा, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव रहेगा तो उस पर 5 है, टोटल कितने नंबर हो जाएगा, 30 नंबर मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको आपको प्रश्न जैसे आपका ये ड्राइंग शीट इस प्रकार से रहेगा, आप इसके लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड पहले इस तरह देखिए कर ली, देखिए क्या करना है, इस तरह आप खींचिएगा। खींचने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पहले अपना रोल नंबर, पहले सबसे ऊपर क्या कीजिएगा, रोल नंबर लिखिएगा, ठीक है, अपना जो रोल नंबर आएगा तो बोर्ड की एग्जाम लिखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप रोल नंबर लिखने के साथ आप वहाँ पे लिख दीजिएगा क्लास, कौन से क्लास का है, ठीक है, क्लास लिख लीजिएगा। फिर आप उस डेट डाल दीजिए किस डेट पे आपका पेपर हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे खंड ख वाला कर रहे हैं ना, तो खंड क लिखिएगा। लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना रहेगा, ध्यान से बस सिर्फ देखते रहिए। आपको 22x18 बना, देखिए इस तरह आप स्केल लीजिएगा और 22 सेंटीमीटर का खींचिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेंटीमीटर में है, टोटल यहाँ तक जो आपका स्केल 15 तो आप 22 तक खींचना है, तो यहाँ से लेके पूरा इस तरह आपको क्या करना है, 22 सेंटीमीटर का इस प्रकार से आप एक स्केल इस तरह खींच लिएगा, पूरा 22 सेंटीमीटर खींचिएगा फ्रेंड्स, आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैंने 15 हो गया, 7 इधर और खींच लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बस देखते रहिए, इस तरह करेंगे। और करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये आप 7 मतलब टोटल 22 सेंटीमीटर का लंबाई खींचना है, और चौड़ाई कितना है देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपका 18 क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि इस तरह से आप इसके देखिए, अब क्या कीजिएगा, 18 सेंटीमीटर का ऐसा चौड़ा खींच लीजिएगा, ड्राइंग शीट बड़ा रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहे हैं, और पूरा इसे एक आयत के आकार का लंबाई चौड़ा हो जाएगा, एक आयत बन जाएगा पूरा, इस तरह आप इसको बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, अभी बता रहे हैं कैसे आपको हल करना है पेपर को, ठीक है, बस वीडियो के फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह बना लेंगे पूरा कंप्लीट, खींच लीजिएगा इस तरह कंप्लीट। कंप्लीट खींचने के बाद फ्रेंड्स देखिए, जो ये प्रश्न है इसका आंसर आपको देखिए इस प्रकार से साफ सुथरा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि इस प्रकार से साफ सुथरा आपको बनाना है इसमें चित्र में, ठीक है। देखिए ये जो आप बनाए रहेंगे ना, इसमें आपको इस चित्र को बनाना है। बनाते समय देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक कुआं बना लेना है वहाँ पे, ठीक है। देखिए एक कुआं बन जाएगा, एक झोपड़ी बना लेना है, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सूर्य, यहाँ पर सूर्य बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, आपको महिला को बना लीजिएगा, यहाँ पुरुष बना लीजिएगा, मतलब खेत की ओर जाते हुए, और यहाँ पे चिड़िया, और खूब सुंदर रंगों का फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे रंग भरा गया है ना, इसी प्रकार से सुंदर रंगों का प्रयोग आप पेपर में कीजिएगा फ्रेंड्स। जितना सुंदर बनाएंगे, यदि आप इस प्रकार से सुंदर रंग भरते हैं उसमें, तो आपको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, टोटल आपको 30 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड्स। देख लीजिए कितना सुंदर, एक बार और दिखा देते हैं। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में बनाना है, और रंगों का प्रयोग खूब सुंदर भरना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करेंगे, या इसके अलावा मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आता है, यदि नहीं आएगा तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, आलेखन में चले आएंगे। अब देखिए अथवा में आलेखन दिया है फ्रेंड्स, कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लय आलेखन चित्र कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, रंग योजना उत्तम हो, आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग किया जाए, आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इकाई मौलिकता, लयात्मक रेखाएं, रेखांकन, उत्तम रंग संगति, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, करते हैं टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 30 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप 16 लंबाई कितना हो जाएगा, 16 लंबाई कर लीजिएगा, लंबाई का मतलब ये लंबा 16, और इसकी चौड़ाई यानी इस प्रकार से आप इसकी चौड़ाई कर लीजिएगा 12 सेंटीमीटर का। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र आपको दिखाते हैं इस प्रश्न का, देखिए चित्र देखिए, आपको क्या करना, इस प्रकार से आपको मछली एक फूल आपको खूब भरना है, और 2-3 रंगों के इसमें प्रयोग कर लीजिए। देखिए एक रंग ये है मछली में, पीला रंग, हरा, हल्का हरा, इस प्रकार से आप यदि बनाते हैं तो इस प्रश्न पे आपको क्या मिलेगा, टोटल आपको 30 नंबर मिलेगा। तो ये था आपका आलेखन वाला प्रश्न, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के प्रश्न को बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब अथवा में एक और प्रश्न दिया है, मान लीजिए कि ऊपर के दोनों प्रश्न आपको नहीं आ रहा, प्राकृतिक दृश्य नहीं आ रहा है,
आलेखन वाला समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। यहाँ से प्राविधिक कला भी दिया है, इसमें आपको क्या करना है, 3 × 10 का मतलब है 3 प्रश्न करना है और प्रत्येक 10 नंबर करेगा, इस प्रकार से 30 अंक इसमें मिलेंगे। फ्रेंड्स इसके नोट को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, पहला देखिए नोट, देखिए कला में जितने भी नोट है उसको ध्यान से पढ़ के ही प्रश्न को हल कीजिएगा, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्न आपको हल नहीं करना रहता, इसलिए बार बार इस बात पर ध्यान जोर दे के बता रहे हैं। फ्रेंड्स नोट जो लिखा रहा है उसे ज़रूर आप पढ़िएगा एग्जाम के समय। देखिए क्या निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन 3 के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक सामने है। देखिए 5 प्रश्न टोटल रहेंगे, 5 में से क्या क्या करना प्रश्न, 3 प्रश्न ही करना है। रचना से निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभिष्ट रेखाएं अस्पष्ट, यानी अस्पष्ट साफ सुथरा बनाना है। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं, एक बार बनाने के बाद दोबारा मिटाने का प्रयास न करें। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। आपको इसी प्रकार से पेपर रहेगा, इसी पर आपको इसको बनाना रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है आपका, 2 असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। जैसे ये पेपर रहेगा आपको क्या करना है कि ऐसे आपको प्रकार और पेंसिल के सहायता से आपको ऐसे वृत्त स्पर्श करते हुए बनाना है, ठीक है। जिसमें से आपको क्या करना है कि एक का रखना है कितना, आप अपने मन से त्रिज्या रख लीजिए, इस पर स्पर्श करते हुए इस प्रकार से आप वृत्त बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रत्येक क्या रहेगा, यदि इस प्रश्न को करते हैं 10 नंबर इस पर मिलेगा। इसके अलावा ख वाला है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएँ क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। या इसके अलावा एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक कोण 50 अंश का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या आपका है कि किसी चतुर्भुज क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कर लीजिए, यह प्रश्न रख कीजिए। या इसके अलावा एक मापनी कीजिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करते हैं एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, 3 मीटर 6 मीटर डेसीमीटर की दूरी। देखिए टोटल फ्रेंड्स इसमें 5 प्रश्न, 5 में से आपको 3 करना है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको खंड ख में से 3 प्रश्न दिया था, प्राकृतिक दृश्य, आलेखन, प्राविधि, तो इन तीनों में से कोई एक जो आ रहा है उसे ही करना है, इस पर 30 नंबर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स 20 नंबर इस पर और 30 नंबर, तो टोटल 50 नंबर हो गए। अब खंड ग के प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कैसे आपको हल करना है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए खंड ग है स्मृति चित्रण है, यह भी आपके 2 प्रश्न करने रहेंगे। कितने प्रश्न हैं, 2 प्रश्न करेंगे, प्रत्येक 10 नंबर का रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क है और ख है, दोनों भागों को चित्र बनाना अनिवार्य है। देखिए क वाला देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं लेना है आपको। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आपको कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहले बनाना क्या है, पत्तियों सहित आम बनाइए, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, इन चारों में से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक प्रश्न ही बनाना है, ठीक है। इन चारों में से आप पत्तियों सहित आम बना लीजिए, ये नहीं आ रहा था ये कीजिए, ये नहीं आ रहा था, मतलब चारों में से सिर्फ एक ही चित्र बनाना है। अब चित्र को देखिए कैसे बनाएंगे आप। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से ये कापी है, मान लीजिए पत्तियों सहित आपको आम बनाना है, ठीक है। देखिए जैसे ये पत्तियों सहित क्या है आपका, आम है ना, इसी प्रकार से पेंसिल की सहायता से आपको बोर्ड के एग्जाम में बनाना है। आप इसको 15 सेंटीमीटर में बनाना है, तो देखिए आपका जो ये पूरा स्केल है 15 सेंटीमीटर में है, तो आप ऐसे कीजिए कि इसको इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर घेर लीजिएगा। देखिए 15 इधर ले लीजिएगा, 15 इधर, ठीक है, जिससे आपको बनाने में गलती ना हो। पेंसिल से फ्रेंड्स ये करना, आपको पेन से बता रहे हैं, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ये चित्र जो है पेंसिल से बनाना है। इस तरह कर लीजिए, घेर लीजिएगा, ठीक है, जैसे चित्र अच्छा बने। अब इसमें आप इस आम को पूरा सुंदर और खूब बाकायदे पेंसिल से इसको बनाना है, ठीक है। स्मृति चित्र में आम का चित्र ही बनाना है आपको इसी प्रकार से। देखिए आपको हो गया, यदि ये करते हैं चित्र बनाते हैं अच्छे से 10 नंबर इस पर मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका रेखा श्रेष्ठ है, आकृति मतलब अच्छे सुंदर बनाते हैं तो उस पर 10 नंबर मिलेगा, यही कहने का मतलब है। खा वाला देखिए ये भी आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किस एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से आपको कम नहीं रखना है। आपको देखिए सुराही हो गया, खुला छाता हो गया, कप और प्लेट, जग, इन चारों में से कोई एक ही प्रश्न आपको बनाना है, एक चित्र ही बनाना है जिसपे आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसमें का रेखा श्रेष्ठ आकृति की अनुरूपता
टोटल 10 नंबर का रहेगा। देखिए इस पे जैसे आपको बनाना है तो इसी प्रकार से आप खींच लीजिएगा 15-15 सेंटीमीटर का। इसमें मान लीजिए आपको सुराही बनाना है तो इस प्रकार जैसे सुराही का चित्र है इसी प्रकार से सुराही का चित्र आप सुंदर और यहाँ पर थोड़ा सा फूल पत्ती आप बना लीजिएगा जिससे आपको पूरे का पूरे नंबर इस प्रश्न पे मिले। समझ में आ गया। देखिए फ्रेंड स्मृति चित्र में क्या करना था कि इसमें से और इस वाले प्रश्न में से सिर्फ एक इसमें से करना था एक इसमें से करना था टोटल ये 20 नंबर का। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि स्मृति चित्र आपको नहीं आता है बोर्ड के एग्जाम में बनाना। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं यदि स्मृति चित्र नहीं आएगा तो इसके अलावा देखिए अथवा में दिया है। अथवा में दिया है देखिए फ्रेंड्स क है तीन प्रश्न इसमें हैं। देखिए क्या है इसमें आपको लिखित रहेगा जिसे आप कापी भी लिखेंगे आपको कापी बोर्ड की एग्जाम मिलेगा उस कापी पे लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा कि भारतीय चित्रकला के प्रमुख विशेषता का वर्णन संक्षेप में कीजिए। यदि आप इसका आंसर देते हैं 10 नंबर मिलेगा। अथवा मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न कर सकते हैं अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप लिखिए ठीक है 10 नंबर का। मान लीजिए ये भी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न कर लीजिए भारतीय चित्रकला में रंगों का प्रयोग एवं महत्व बताइए 10 नंबर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन प्रश्न इन तीनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न आपको करना है और ये 10 नंबर का रहेगा ठीक है। देखिए अथवा में दिया है फ्रेंड्स ऊपर वाला नहीं आ रहा तभी आपको ये करना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे आपका जब ये कर रहे हैं ये वाला खंड मतलब भारतीय चित्र कर रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर देंगे। इसके साथ में आप इधर और भी प्रश्न करने पड़ेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे आपके ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए दूसरा का क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प दिए हैं सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए। देखिए एक नंबर का ठीक है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो फ्रेंड्स अभी बताएं 7 रंग होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है तो फ्रेंड्स देखिए लाल पीला नीला ये तो प्रथम में प्राथमिक रंग आता है इसमें कौन सा सही होगा द्वितीय रंग के अंतर्गत नारंगी आता है। तटस्थ रंग कितने होते हैं फ्रेंड्स तो आप इसका सही जवाब तटस्थ रंगों की जो संख्या होती है 2 होती है तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मतलब स वाला। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा चौथा नंबर का अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है तो देखिए फ्रेंड्स इसका मध्य प्रदेश दिया है महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार। इसमें अजंता की जो गुफाएं कहाँ पर स्थित है तो महाराष्ट्र में है। इस प्रश्न का सही जवाब ब वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा नंबर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे तो मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे मंसूर थे तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है। प्रत्येक एक एक नंबर का है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का देखिए सवाल क्या है ग वाला निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं सही विकल्प चुनकर क्रमवार लिखिए। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थे एक नंबर का है फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा ये एक नंबर का है। इसका सही जवाब आपका होगा आखेट के दृश्य ठीक है ऑप्शन को पढ़ के ही दीजिएगा फ्रेंड्स ये इसका सही जवाब आखेट के दृश्य होंगे। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है ऑप्शन अजंता बाग बादामी सित्तन वासल एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर का। देखिए फ्रेंड्स दूसरा का आपका सही जवाब होगा बाग। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है ऑप्शन है मिर्जापुर में आदमगढ़ में रायगढ़ में या पंचमढ़ी में। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा आदमगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है ऑप्शन है बैगनी हरा गेरू या पीला। तो फ्रेंड्स देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों में जो मुख्य रूप से जो रंग प्रयोग किया गया वो गेरू है तो इस प्रश्न का सही जवाब स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन थे ऑप्शन है संसार चंद्र घमंड चंद सामंत सिंह और रूपचंद्र। तो फ्रेंड्स देखिए कांगड़ा शैली के प्रमुख जो उन्नायक थे संसार चंद्र थे तो इसका सही जवाब अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके चित्रकला के संपूर्ण पेपर का हल हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स एक बार और हल्का सा रिवीजन करा देते हैं आपका। देखिए फ्रेंड्स आपका जो चित्रकला का पेपर रहेगा उसमें खंड क रहेगा खंड क में आपके 2 भाग रहेंगे जिसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। आपको आलेखन कला आ रहा है या प्राविधिक इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है ठीक है। खंड ख है खंड ख में आपको 3 प्रश्न रहेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्र रहेगा आलेखन रहेगा या प्राविधि। इन तीनों में से आपको जो प्रश्न का आंसर पता हो उसी प्रश्न को 3 में से आपको एक ही करना है ये 30 नंबर के। तो टोटल कितने हुए इधर से आपके एक प्रश्न इन दोनों में से करना है इसमें से एक ये हो गया ठीक है। अब देखिए खंड ग है खंड ग में भी 2 भाग है स्मृति चित्र है भारतीय चित्र है स्मृति चित्र या भारतीय चित्र इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना था ठीक है। तो खंड क से एक प्रश्न हो गया आपका देखिए ध्यान से खंड क से एक प्रश्न
खंड ख से एक प्रश्न और खंड ग से एक प्रश्न। इस प्रकार से टोटल तीन खंड है, तीनों में से एक एक प्रश्न आपको करना था। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।